खबरों में बीकानेर में आज हम आपको जिला कलेक्ट्रेट से डड्डा कोठड़ी तक निकाली गई बाइक रैली में लिए चलते हैं। ये रैली आत्महत्या निषेध दिवस 10 सितंबर को निकाली गई है। रैली को ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने भागीदारी निभाई। इतना ही नहीं, गाड़ियों में स्कूली बच्चे भी रैली में शामिल हुए और विजय मुनि के दिए संदेश का प्रचार प्रसार किया। आत्महत्या न करने के प्रति दिए जा रहे संदेश और जन जागृति के लिए निकाली गई इस रैली के बारे में ऊर्जा मंत्री से भी हमने बातचीत की, जो आप इसी वीडियो में आगे सुन सकते हैं। साथ ही पूर्व चेयरमैन कांग्रेस नेता मकसूद अहमद से भी की गई बातचीत को हम आपको इसी वीडियो में सुनवा रहे हैं। रैली में चलता है। संदेश, आत्महत्या मुक्त हो देश और विदेश। आज का जो समय है वो तनाव, हर व्यक्ति तनाव में रहता है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा है और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हर व्यक्ति थोड़ा तनाव में रहता है। उसकी वजह से आत्महत्याएं ज्यादा बढ़ी है। पढ़ने वाले बच्चे, जैसे उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं किसी परीक्षा में या कहीं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उसमें भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो सेलेक्टेड होने के बाद अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन उनको पढ़ाई का इतना तनाव वो ले लेते हैं कि उसकी वजह से भी आत्महत्याएं हो रही है। पारिवारिक और जो समाज का जो ताना बाना है, वो हमारा पुराना जो ताना बाना था उसमें हमारे संस्कार ऐसे थे कि हम लोग एकजुट होकर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आ गया है कि आज समाज में हर जगह हम देख रहे हैं कि आत्महत्या का जो रेशो है वो बढ़ रहा है। ऐसे समय में विजय मुनि जी का जो संदेश है, विजय मुनि जी हमेशा ये सीख देते थे कि व्यक्ति को तनाव से मुक्त रहना चाहिए और आत्महत्या एक बड़ा पाप है। एक तरह से वो व्यक्ति स्वयं को समाप्त कर लेता है लेकिन उसकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उसके जो सामाजिक दायित्व है, उन सब से वो स्वयं में तो ये हो जाता है कि वो हट गया, लेकिन उल्टा जो जिम्मेदारियां हैं, जो उल्टा उसके जो दायित्व होते हैं, जो लोग डिपेंड उस पर होते हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो विजय मुनि जी का जो संदेश है उसको लेकर के जो यात्रा आज निकाली गई है,
और हम सबको भी इस यात्रा के माध्यम से पूरा समाज, हम सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, यही कहना चाहेंगे कि विजय मुनि जी ने जो संदेश दिया था उस संदेश को हमें जीवन में आत्मसात करना है। आत्महत्या कोई उपाय नहीं है किसी भी समस्या के समाधान की, तो आत्महत्या न करके उस समस्या के समाधान के लिए लोगों से चर्चा करें और समाज में ये जागृति फैलाएं कि आत्महत्या एक बड़ा पाप है। बीकानेर में आयोजक संस्था है जो, उसका एक बहुत ही सराहनीय प्रयास भी है, आपके भी ध्यान में है वो ये कि इन्होंने एक नंबर जारी किया है कि अगर किसी को कोई इस तरह की समस्या आती है तो वो 24 आवर्स में किसी भी समय फोन कर दें, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए बीकानेर की जो आज के इस कार्यक्रम की आयोजक हमारी जो संस्था है, निश्चित रूप से ये संस्था हमेशा काम करती रहती है। उनके नंबर्स भी उन्होंने जारी किए हैं, वो काउंसलिंग भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, तो इस सराहनीय कदम के लिए मैं हमारी इस संस्था को बहुत बधाई देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज के समय में ये बहुत जरूरी था इस प्रकार का कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो आत्महत्या नहीं करें। तो मैं यहाँ आज आए हुए तमाम जो लोग हैं, मातृशक्ति है, उन सबको भी धन्यवाद दूंगा। हम सब भी ये जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को ये समझाएं कि आत्महत्या कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और आत्महत्या से मुक्त हमारा देश हो विदेश हो, ये श्री विजय गुरु जी का जो संदेश है उसको हम आत्मसात करें। जी सर, मकसूद जी सर, इस यात्रा के बारे में विजय मुनि जी के इस अभियान का मैं स्वागत करता हूं और परवरदिगार से दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये अभियान जारी सारी रहे। बड़ी अच्छी बात है कि मुनि जी ने ये एक अभियान चलाया है कि आत्महत्या मुक्त देश विदेश। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे खासतौर से नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका खामियाजा उसके समाज को, उसके घर के, उनके बच्चों को, सबको भुगतना पड़ता है। मैं तो खासतौर से इस अभियान से लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि हम मुनि जी के इस संदेश की पालना करें और आत्महत्या से बचें। छोटी मोटी अगर कोई आपदा आती है तो उसका संघर्ष करें। आत्महत्या करना कोई एक संघर्ष से कम नहीं है। अगर आत्महत्या कोई इंसान करता है तो वो एक अपने आप को बुजदिल माना जाता है। मैं ये कहूंगा कि इसका वो बाकायदा आत्महत्या से बचें और लोगों तक अपनी जागरूकता की तरह फैलाएं और जगह जगह वार्ड वार्ड और ढाणी ढाणी जाकर के इसका प्रचार प्रसार करें कि आत्महत्या करना एक महापाप है। थैंक यू। सभी मीडिया वालों से निवेदन है कि रैली के प्रस्थान स्थल पर आकर के कवरेज करें। हेलो 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 आपके लिए नारे लगाने के लिए महिला मंडल की कार्यकर्ता कर रहा कल्ला भाई खुटलिया कहा रहा भी है। हेलो 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 कार्यकर्ता को निवेदन है कि झंडे लेके प्रस्थान स्थल पर आए जल्दी झंडा लाओ। आत्महत्या पाप है, जीवन का भी पाप है, आत्महत्या पाप है।
देखते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें खबरों में बीकानेर।